देश के कई महानगरों में फंसे मजदूरों को घर वापस ले जाने के लिए राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। भारतीय रेलवे ने रविवार को सभी जोन्स के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें तभी चलेंगी जब कम से कम 90% सीटों के लिए बुकिंग की जाए। रेलवे ने किराया, खाना, पानी, सुरक्षा को लेकर हर बात स्पष्ट कर दी है। रेलवे की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नॉन स्टॉप होंगी और एकमात्र गंतव्य के लिए होंगी। सामान्यतः ये 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए होंगी। ट्रेनों को बीच के किसी स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। एक ट्रेन में करीब 1200 लोग सफर कर सकते हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि जिस राज्य से यात्रा प्रारंभ होगी वहां की सरकार को यात्रियों का समूह तैयार करना होगा। ट्रेन में यात्रियों की संख्या क्षमता से 90% से कम नहीं हो सकती है। रेलवे ने कहा कि स्थानीय राज्य सरकार यात्रियों को टिकट सौंपेगी और उनसे टिकट वसूल करके एक राशि रेलवे को सौंपेगी। यह भी कहा गया है कि जिस राज्य से ट्रेन खुलेगी वहां की सरकार को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी है ताकि केवल वे लोग ही स्टेशन परिसर में आए जिन्हें मंजूरी दी गई है और जिनके पास टिकट मौजूद है। रेलवे दिए गए गंतव्य के लिए टिकट प्रिंट करेगी और स्थानीय राज्य सरकार प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार उन टिकटों को उनके द्वारा तैयार लिस्ट के मुताबिक यात्रियों को टिकट सौंपेगी और उनसे किराया वसूल करेगी। किराया एकत्रित करके राज्य सरकार रेलवे के पास जमा कराएगी। जहां से यात्रा की शुरुआत होगी उस राज्य सरकार को खाने के पैकेट और पीने के पानी का भी इंतजाम करना होगा। यदि यात्रा 12 घंटे से अधिक के लिए होगी तो एक समय का खाना रेलवे की ओर से दिया जाएगा। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रशासन को सभी यात्रियों को इसकी जानकारी देनी है। साथ ही यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां की राज्य सरकार यात्रियों को रिसीव करेगी। स्थानीय प्रशासन को स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन और आगे की यात्रा आदि की व्यवस्था करना होगी। वहां की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। रेलवे ने यह भी कहा है कि यदि सुरक्षा या हाइजीन से संबंधित नियमों का यदि किसी भी चरण में उल्लंघन होता है तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सेवा रद्द की जा सकती है। दोस्तों, यहां पर रेलवे ने सभी कुछ क्लियर कर दिया है। किस तरीके से आपको टिकट मिलेगा, किस तरीके से आपको यात्रा करना होगी। अगर आप अभी तक अपने घर पर नहीं पहुंचे और किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए तो अभी फौरन नोडल अधिकारी से संपर्क कीजिए और वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन नोट करा दीजिए। नोडल अधिकारी जैसे ही ट्रेन चलेगी आपको टिकट मुहैया कराना शुरू कर देंगे और ट्रेन चलने की जानकारी आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग कहां पर फंसे हुए हैं और कहां तक का सफर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको ही दबाइए ताकि इस तरह का नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।